सहजनवा के जिला अधिकारी के आदेश पर खाद और औषधि विभाग ने गुरुवार को कलेश्वर सहजनवा से तेंदुआ टोल प्लाजा तक चल रहे ढाबों की जांच की तथा कोविड 19 तथा आगामी त्योहारों रक्षाबंधन व बकरीद पर्व पर आम जनता को शुद्ध खाद पदार्थों से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिभा त्रिपाठी द्वारा ढाबों की व्यवस्थाओं और खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इसमें सैनिक ढाबा, यदुवंशी ढाबा, कृष्णा ढाबा सहित कुल 6 ढाबों की जांच की गई, जिसमें कृष्णा ढाबा द्वारा खाद्य पंजीकरण मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे अगले कार्य दिवस तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया। ऐसा ना करने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यदुवंशी ढाबा पर खराब खाना दिया जाने की शिकायत मिलने पर पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। अन्य सभी ढाबा मालिकों को कोविड 19 के संबंधित सभी सतर्कता बरतने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी ने बताया कि आगे भी जांच की जाएगी तथा नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। Yeah.